हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम फ्री चार्ज बिजनेस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो देखिए, इस वाली ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब इस वाली ऐप को ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है। इस पर हम स्क्रॉल करते रहते हैं और एंड में लिखा है गेट स्टार्टेड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश या हिंदी। मैं इंग्लिश रहने देता हूँ और कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, ये आपकी लोकेशन, SMS परमिशन और फ़ोन परमिशन मांग रहा है, तो आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अब अलाउ करने के लिए ये मांग रहा है आपसे चूज एन ए अकाउंट या एड ए न्यू अकाउंट। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आई डी डाल देता हूँ, रवि शर्मा वाली, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब इस पर लिखा है रजिस्टर नाउ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। गेट परमिशन की लोकेशन मैं ऑन कर देता हूँ। अब ये आपसे मांग रहा है बिजनेस का नेम। आप अपने बिजनेस का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने अपने बिजनेस का नेम रख लिया है अमूल्य, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मांग रहा है ये आपसे इंटर योर मोबाइल नंबर, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। ये डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, एक OTP आएगा, ये OTP मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, ये आपसे कह रहा है सेट पासवर्ड, तो आप अपना कोई भी पासवर्ड रख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लिया है और नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, सक्सेस हो चुका है मेरा। अब एक्टिवेट पेमेंट्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मांग रहा है आपका पेमेंट रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, बिजनेस डिटेल्स, पैन डिटेल्स और बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रोसीड टू बिजनेस डिटेल्स, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इंटर पिन कोड मांग रहा है, तो पिन कोड जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड आप डाल देते हैं। मैं यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देता हूँ, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, आपका नेक्स्ट आ रहा है चूज बिजनेस कैटेगरी। अब देखिए, काफ़ी सारी कैटेगरी आपको दी हुई है। आपकी आप जिस कैटेगरी से अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं या जिससे रिलेटिव आपको अकाउंट बनाना है, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एजुकेशन सर्विस। अब देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है पैन नंबर, तो आप देखिए यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है इंटर नेम एज फोन पैन, तो आप देखिए जो भी आपका पैन नंबर पे आपका नाम है वो लिख देंगे आप यहाँ पर, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है, और ये आपसे कह रहा है ऐड ए प्रोफाइल इमेज फॉर योर अकाउंट। अगर आप अपने इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज लगा सकते हैं, वरना नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरा अकाउंट बन चुका है। ये देखिए, मेरा फ्री चार्ज बिजनेस का QR कोड बन के आ गया है। आप चाहे तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक और QR कोड भी बना सकते हैं, किसी से भी अनलिमिटेड पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं इस QR कोड द्वारा। नीचे की ओर देखिए, आप ऑप्शन देख सकते हैं, होम ट्रांजैक्शन देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ पर QR कोड देख सकते हैं, यहाँ पर आप सेटलमेंट कर सकते हैं डेट अकॉर्डिंग, और ये है आपका अकाउंट से रिलेटेड। अब देखिए, यहाँ पर है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये देखिए नंबर और ईमेल आईडी मेरा डाला हुआ है। नेक्स्ट है आपका व्हाट्सअप नोटिफिकेशन, तो देखिए अगर आपको व्हाट्सअप पर कोई नोटिफिकेशन चाहिए फ्री चार्ज बिजनेस की, तो आप यहाँ से इसे ऑन कर देंगे। हम बैक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेज यूजर्स, तो अगर आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी को परमिशन दे सकते हैं या अलग से ऐड कर सकते हैं। अब है आपका नेक्स्ट चेंज पासवर्ड। आपने जो फ्री चार्ज बिजनेस पर अपना अकाउंट बनाया है, आप चाहें तो अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज लैंग्वेज का मतलब है कि आप इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं, और यहाँ पर इस वाली ऐप का रेट दे सकते हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशन को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर आपको फ्री चार्ज बिजनेस से कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। आप यहाँ पर कॉल नाउ पर क्लिक करके फ्री चार्ज बिजनेस से रिलेटिव जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए, ऊपर आपका आ रहा है ट्रांजेक्शन से रिलेटिव, सेटलमेंट, अदर इशू, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है। और अगर आपको इसे लॉग आउट करना है, तो देखिए यहाँ से आप साइन आउट भी कर सकते हैं।